लगाई है। इस युवा किसान ने पराली प्रबंधन को कारोबार का रूप दिया और महज एक साल में 2 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। युवा किसान ने बताया कि उन्हें इस सीजन में 2 महीने में 50 लाख रुपए की आय हो चुकी है और वे 200 युवाओं को रोजगार भी दे चुके हैं। कैथल से हमारे संवाददाता पवन कुमार की रिपोर्ट। नहीं, जैसे किसान सर जी अभी की बार सारे जने इसके अंदर पूरा जोर से किसान सारे जा रहे हैं कि हमारी बेलर से गांठे बने और हम पर्यावरण को भी स्वच्छ बना के रखे हैं, तो लोगों की पूरी कोशिश है, लेकिन किसी कारण से कुछ लोगों को नहीं मशीनें मिल पा रही, जिसकी वजह से थोड़े बहुत किसान ही आग लगा पा रहे हैं जिनको किसी न किसी कारण से मशीन की कमी रही है। अनुदान की बात करें कि जो सरकार द्वारा अनुदान है वो कितना दिया जा रहा है और किस हिसाब से? सरकार अब की बार जैसे इंडिविजुअल में 50% दे रही है और यदि हम सोसाइटी में देखें तो 80% अनुदान सरकार दे रही है। तो कितने किसान हैं जो अभी तक इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? जैसे कि पहले की अनुदान एक लॉटरी सिस्टम की तरह जैसे ड्रा निकाल के ही दिया जाता था कि हमें सिर्फ 6 या 7 या जैसी भी जो भी डिपार्टमेंट की गाइडलाइन रहती थी उसके हिसाब से दिया जाता था, लेकिन अब की बार तो सरकार ने कोरोना की वजह से ऐसा कोई ड्रा नहीं निकाला, जिन्होंने भी आवेदन किया था उनको सबको पूरा पूरा दिया गया है। आप द्वारा ये जो तकनीक है इसकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा यही कि हम दोनों गुड़िया को जैसे एलर्जी थी वो धुएं की वजह से थी और उस टाइम मम्मी भी थोड़ी सी इतनी बीमार थी कि हम उसको और उधर से दोनों गुड़िया का सांस लेना मुश्किल था और सड़क के ऊपर से तो सर हम लाइट जगला के भी नहीं देख सकते, दिन के अंदर इतना ज़्यादा धुआं था, जिससे ज़्यादा देखा कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो तभी हम कृषि विभाग कैथल से मिले और उसके बाद हमने पेपरों में भी पता किया कि इसको ले कौन सकता है मटेरियल को और उसको किस यूज़ में यूज़ करें, उसके बाद हम सब आपस में एकदम टाइप होके और उनसे अनुदान लेके हमने ये बिलर लेने की सोची। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में फ्रूट एंड वेज का एज ए कस्टमर सर्विस मैनेजर था। अच्छा, तो जो अब इसकी बात करें कि रोज़गार की बात, रोज़गार देने की बात, कितने आदमियों को अभी तक इस मशीन के जरिए रोज़गार मिला है? अभी हम खुद जैसे मेरे पास 4 मशीनें हैं, 4 मशीनों के ऊपर हमारा खुद 25 का तो स्टाफ हमारा घर का है और रिलेटिव हैं सब, हमने जैसे ड्राइवर हायर की हुई हैं और बाकी जैसे हमारे पास 40 ट्राली हैं, 40 ट्राली के ऊपर एक ट्राली के ऊपर 5 से 6 आदमी हैं, तो करीब मान के चलें तो 250 के करीब और 200 तो हर टाइम हमारे पास रहता ही रहता है। 2 महीने के सीज़न में 200 लोगों को रोज़गार पर डे मिलता है। तो जो ये कितने रुपये किले प्रत्येक एकड़ लेते हैं और ये जो गट्ठर है इसका ये जाता कहाँ है? ये पावर मेनली तो पावर प्लांट में, पेपर मिल में, इन सब में यूज़ होता है, तो इसके लिए ये हमसे यदि हम स्टॉक करवा रहे हैं जैसे अभी ये जो ट्रालियाँ खड़ी हैं अभी माल तो सारी फैक्ट्री में जाना बंद हो चुका है ज़्यादातर, तो हमने स्टॉक का करार किया हुआ पेवा सेंसल पेपर मिल में, तो वहाँ पे हम ये दिसंबर और जनवरी में देंगे। तो अभी तो हम 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये एकड़ इनको दे रहे हैं, यदि 3 किलोमीटर से नीचे है तो 800 रुपये, यदि 3 से ऊपर है तो 1000 रुपये एकड़ हम इनको स्टैकिंग का दे रहे हैं, जिसके अंदर ये खेत से उठाएंगे और उसको वहाँ पर स्टैक करेंगे। और यदि हम नॉर्मल टाइम में बात करें तो ये जब फैक्ट्री में देते हैं तो उसका 60 रुपये क्विंटल से लेकर 10 किलोमीटर तक एरिया है, यदि 10 से एरिया ऊपर जाएगा 15 किलोमीटर तक वो 65 रहेगा और उसके ऊपर रहेगा तो 70 या 75, ऐसे पर किलोमीटर के हिसाब से इनका एरिया का हम लेबर चार्ज इनको देते हैं। तो किसानों से प्रति एकड़ आप कितना ले रहे हैं? हम किसानों से 500 रुपये एकड़ बेल का ले रहे हैं, यदि वो रोटरी सेंसर खुद करता है तो 500 रुपये, यदि हम करते हैं तो 1000 रुपये एकड़। आप भी किसान हैं तो जो पहले आग लगाते थे किसान और इसमें कितना बेनिफिट है? देखिए, आग कोई उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो तो एक भैग के कारण ही हम आग लगाते हैं, तो आने वाले टाइम में देखो लोगों को आग तो छोड़नी ही पड़ेगी किसान को, लेकिन किसान खुद नहीं चाहता कि मैं आग लगाऊं, लेकिन कुछ मजबूरियां रहती हैं जिसकी वजह से वो आग लगाते हैं। तो क्या संदेश देंगे किसानों को, हरियाणा के किसानों? लोगों को इससे आगे से आगे आके अनुदान लेना चाहिए सरकार से, जो इसको ग्रुप में या 3 या 4 मिलके इस आग को मशीन को बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं, तो सबको इसके लिए आगे से आगे आगे प्रेरणा देनी चाहिए और इस प्रदूषण को हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। ठीक है।